और नवरात्रे में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्रे में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है, ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण करा हो, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है, पश्चिम की ओर मुख करकर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज वो वैभव को देती है, और उत्तर की ओर जो मुख करकर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। रात्रि का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना, दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं। अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी अब की बार माता जी घोड़े पर आई है, हर बार देवी बदल बदल के आती है, इस बार जो नवरात्र आए वो घोड़े के आए, तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना कि कोरोना महामारी ने हमको नीचे गिरा दिया या कोरोना महामारी ने रोक दिया, कमाई के स्रोत रोक दिए, धन रोक दिया, चिंता मत करना। मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है, साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के चार साल में नहीं कमाया होगा, इतनी मेरी माँ भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, वैभव में कमी नहीं आती। अभी भले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, कोरोना महामारी ने सब तोड़ दिया, रोक दिया, पर चिंता ना करना, मेरी माँ अगर घोड़े पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे, इतना धन देगी वो मार, साधारण नहीं है मेरी माता। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान कर। और नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा महाराज। यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा, बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुझसे। माँ जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में नौ दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा।